पीटर सिमियोनिच से बढ़कर दूसरों की बीवियों को रिझाने फुसलाने और उन्हें पटाने वाला मर्द मैंने आज तक नहीं देखा। नाम चाहे कुछ भी बदल ले, लेकिन उसका चरित्र नहीं बदलेगा। इजाजत हो तो कहूं कि दूसरों की बीवियों को पटाने वाला मुझसे बढ़कर मैंने आज तक कोई नहीं देखा। ये बात मैं शेखी बघारने के लिए नहीं बल्कि रिकॉर्ड के हिसाब से बता रहा हूं। आंकड़ों की संख्या खुद ही बता देती है। आप लोगों में से जो भी सज्जन ये दिलचस्प लेकिन कभी कभी खतरनाक खेल खेलना चाहते हैं, उन सब से मेरी गुजारिश यह है कि एक पेन और कागज लेकर बैठें और अच्छी तरह नोट करें। अब मैं आपको अपने सारे तरीके यानी कि मेथड्स बताने जा रहा हूं। अगर चाहें तो महिलाएं भी अपने बचाव के लिए नोट कर लें, लेकिन अगर एक बार मैंने उन्हें अपने शिकार के लिए चुन लिया तो विश्वास मानिएगा सारे नोट्स धरे रह जाएंगे। किसी भी आदमी की बीवी को पटाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि आप जितना हो सके उस औरत से दूर रहें, उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान ही मत दीजिए। ऐसा जाहिर कीजिए कि जैसे आपके लिए उसका अस्तित्व है ही नहीं। हम लोग उस तक पहुंचेंगे उसके पति के रास्ते से। अभी कुछ ही देर में आपको मेरा प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन देखने को मिल जाएगा। दरअसल इस हफ्ते मैं एक बहुत गहरे इश्क में मुब्तला हूं, पागलों की तरह। अभी थोड़ी देर में वो गुजरेगी अपने पति के साथ इस रास्ते से टहलते हुए, और इस ख्याल से ही मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है। मेरे जिस्म का रुआ रुआ चीख चीख कर कह रहा है कि बढ़ो, आगे बढ़ो और उसके गले में बाहें डालकर उसे अपने सीने से लगा लो। मगर जरा देखिएगा एक ग्रेट मास्टर क्या करता है। मैं इतना ठंडा नजर आऊंगा जैसे कि बर्फ का गोला। वो आ रही है, मेरे दिल की मलिका, अपने चिड़ी के गुलाम। मुलाकात हुई। हेलो बॉबी, कैसे हो तुम? बहुत शानदार लग रहे हो। शुक्रिया, लेकिन तुम एक नंबर के बदमाश विकी, तुम तो हमेशा इतने शानदार नजर आते हो। एक्सक्यूज मी, मेरी वाइफ से मिले हो रीना? अरे हाँ, तुम लोग मिल तो चुके हो। उस दिन ओबेरॉय के घर डिनर पर तुम इसके फांसी से बैठे हुए थे। रीना, मुझे मालूम नहीं कि उस रात इस जादूगर ने तुमसे क्या बात की, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज के लिए पहले सावधान कर रहा हूँ, इससे बच के रहना। ये एक नंबर का बदमाश, बदनाम कुंवारा और टेनिस और बिलियर्ड्स का चैंपियन है। विकी, तुम्हारी तारीफ में फिलहाल मैं इतना ही कह सकता हूँ। तुम तो हमेशा बढ़ा चढ़ा कर बोलते हो बॉबी। मैडम, आपको दोबारा देखकर बहुत खुशी हुई। हम लोग यही टहलने निकले थे, अगर तुम्हारा मन हो और कोई काम ना हो तो तुम भी चलो। बहुत बहुत शुक्रिया बॉबी। बढ़िया रहा है ना। दरअसल किसी असली प्रोफेशनल का काम देखकर सर अपने आप इज्जत से नीचे झुक जाता है। आपने नोट किया ना, तो हमारी ठीक से नजरें मिली, ना ही हमने बातचीत की, लेकिन फिर भी मेरे बारे में उसे कितनी सारी चीजों की जानकारी मिल गई। बताता हूं। जानकारी ए, मैं एक मशहूर कुंवारा हूं। बी, मैं किसी के इश्क में मुब्तला हूं। रोमांटिक औरतों को बड़ी गुदगुदी होती है ऐसी बातें सुनकर। सी, मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन हूं, उसके आलसी और थुलथुल पति की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर। डी, ये खास बात है कि औरतों के मामले में मैं बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी हूं। अगर सच कहूं तो इस वक्त उसके दिल में मेरे लिए नफरत ही नफरत होगी। वजह नंबर एक, मैं एक गिरे चरित्र का बेहद गंदा आदमी हूं। वजह नंबर दो, मैं अपने इरादों को बयान करने के मामले में बेशर्मी की हद तक बेबाक हूं। और वजह नंबर तीन, कि मेरी दिलचस्पी उसमें नहीं है, किसी और में। अब अगला कदम है हिप्नोसिस यानी सम्मोहन का। सम्मोहन आंखों से नहीं बल्कि जबान के जहर से, जैसे कोई सांप अपने शिकार की तरफ बढ़ता हो। और मजे की बात यह है कि सम्मोहन का यह जहर उसके पति के मार्फत ही उस तक पहुंचेगा। जरा मुलायजा फरमाइए, कुछ दिन बाद क्लब में उसके पति से मेरी कैसे अचानक मुलाकात हो जाती है। अरे विकी, तुम क्या बात है, बहुत बुझे बुझे लग रहे हो। लगता है तुम्हारा वो मामला ठीक से चल नहीं पा रहा। क्या इतना जाहिर हो गया मेरा चेहरा? बॉबी, मैं बर्बाद हो गया।
उसकी सूरत देखने को तरस गया। आखिरी बार उसे तभी देखा था जब तुमसे और तुम्हारी प्रिय पत्नी से भेंट हुई थी। तब से अब तक ना खाना नसीब हुआ है ना नींद। मेरी पतलू में दो दो इंच ढीली हो गई। बॉबी, बॉबी, मैं क्यों ऐसी औरतों के पीछे अपनी जवानी बर्बाद कर रहा हूं जो मुझे कभी हासिल नहीं हो सकती और जिन्हें मैं कभी अपना नहीं कह पाऊंगा। मुझे तुमसे रश्क होता है दोस्त। रश्क? हाँ, ईर्ष्या, एनवी। लेकिन क्यों? मेरे पास ऐसा क्या है जो तुम्हें मुझसे ईर्ष्या होती है? दाम्पत्य सुख, मधुर विवाहित जीवन। तुम्हारे जैसी पत्नी भगवान किसी किसी को ही देता है। सर्वगुण संपन्न। अच्छा, उसमें ऐसा क्या दिखाई दे गया तुम्हें? शालीनता बॉबी, सुशीलता, ग्रेस, एलिगेंस, क्या नहीं है उनमें? और खास तौर पर वो अंदाज जिससे वो तुम्हारी तरफ देखती हैं। काश जिंदगी में कोई मुझे भी इस तरह देखे। अपनत्व, समर्पण और श्रद्धा भरी नजरों से। तुम्हारे शरीर में तो बिजली से दौड़ जाती होगी, है ना? बिजली? नहीं, बिजली तो नहीं। तो शायद झुरझुरी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो तुम्हारी तरफ देखे और तुम्हारे शरीर में हल्की सी झुरझुरी भी ना उठती हो। उठती है, उठती है, झुरझुरी काफी उठती है। मैं दिन भर झुरझुराता रहता हूँ। वो एक आदर्श महिला है बॉबी। मुझ जैसा बदकिस्मत आदमी जिसका दुनिया में अपना कोई नहीं है ये बात कह रहा, इसलिए मुझ पर विश्वास करना। तुमने बहुत पुण्य किए होंगे जो तुम्हें ऐसी पत्नी मिली। वाकई किस्मत वाले हो। हो सकता है तुम्हारी किस्मत भी तुम पर मेहरबान हो जाए। इसी उम्मीद में तो दिन काट रहा हूं, वरना जीना तो फिजूल लगता है। बॉबी, कभी कभी मन करता है कि गले में रस्सी बांध के, ओह माय गॉड। अच्छा, चलता हूं, लेट हो गया। डॉक्टर इंतजार कर रहा हूं। डॉक्टर? क्यों भाई, खैर तो है? तुम्हें क्या बीमारी हो गई? कोई मानसिक तनाव, उदासी, डिप्रेशन वगैरह। अच्छा बाबी, अपनी प्रिय पत्नी को मेरा नमस्कार कहना। जरूर। और हाँ, ये बातें उनके सामने दोहराना मत, वरना उनकी कोमल संवेदनाओं को ठेस पहुंचेगी। कोई मेरी संवेदनाओं को भी समझ सके। मुझे मालूम है कौन समझेगा। वो समझेगी। अब बस देखना यह है कि कब समझेगी और कब मेरी बाहों में आएगी। तब तक बहुत कुछ करना है मुझे। नहीं, अब सारे काम मेरे प्रिय सहयोगी और दोस्त श्रीमान बॉबी साहब करेंगे। कैसे? ओ हाँ, आज अचानक विक्की से मुलाकात हो गई। ओ हाँ, आज अचानक विक्की से मुलाकात हो गई। कौन? विक्की मल्होत्रा। पिछले हफ्ते तो मिले थे हम लोग, वो सुंदर सजीला सा नौजवान कुंवारा, याद नहीं? बहुत गंदा घटिया आदमी था वो, सिर्फ इतना याद है मुझे। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। अगर अपने बारे में उसके विचार सुनोगी तो तुम ऐसा नहीं सोचोगी। उस बदमाश आदमी के विचार जानने की मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन रीना, उसने तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। वो तुमसे बहुत ज्यादा प्रभावित है तुम्हारी। अपनी चमत्कारी शक्तियों को देखकर मैं खुद हैरान हूं। उसके दिल में मेरे लिए न सिर्फ दिलचस्पी पैदा हो गई है, बल्कि मेरा नाम सुनकर उसका दिल फड़फड़ाने लगा है। जबकि अभी दो मिनट पहले मैं उसकी नजर में एक गंदा और घटिया आदमी था। और मजे की बात यह है कि इन सारी उपलब्धियों के दौरान मैं अपने मुलायम और गर्म बिस्तर में लेटा आराम कर रहा था। अगले दिन का लंच लजीज तो था ही, बहुत फायदेमंद भी। कल अचानक सुंदरम से मुलाकात हो गई, फेमस पेंटर। पेरिस एग्जीबिशन के लिए उसे एक खास पोर्ट्रेट बनाना है। इस सिलसिले में सुंदरम को एक असाधारण रूपसी की तलाश है।
मैंने फौरन उससे कहा कि इस तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी को मैं जानता हूँ, लेकिन मुझमें उससे बात करने का साहस नहीं है। तुम क्यों नहीं बात करते अपनी श्रीमती जी से? किस बारे में? उस पोर्ट्रेट का मॉडल बनने के लिए। इतना अलौकिक सौंदर्य उस चित्र में अंकित होकर अमर हो जाएगा। यदि दुनिया इस सौभाग्य से वंचित रह गई तो हम सबके लिए कितनी शर्म की बात होगी। शर्म की बात होगी? ये तो है। हाँ, जरा बात करके देखो अपनी श्रीमती जी से। हाँ जरूर, मैं बात करूंगा उससे। तो मैंने उससे कहा मैं बात करूंगा तुमसे। बताओ तुम्हारा क्या विचार है? मेरे विचार में ये सब बकवास है। लेकिन उसने कहा किस तरीके से था? मेरा मतलब उसने एग्जैक्टली एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्यूटी वर्ड इस्तेमाल किया था। हाँ बिल्कुल यही शब्द। और ये भी कि अगर दुनिया इस सौभाग्य से वंचित रह गई। क्या आपने मुझे उसके नजदीक देखा? क्या मैंने उससे कोई बातचीत की? क्या हम में कोई कॉरेस्पॉन्डेंस हुई? नहीं 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 मेरे प्रिय शिष्यों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी अपने पति के मुंह से निकले हुए मेरे एक एक शब्द पर उसके कान लगे रहते हैं। हाँ, उसकी राय में तुम्हें एक एक्ट्रेस होना चाहिए। एक्ट्रेस? मैं और एक्ट्रेस क्यों, किस वजह से भाई? उसने कहा, एक मिनट उसी के शब्दों में बताओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ आराम से बताओ, हो सके तो एग्जैक्टली वही बताओ जो उसने कहा। हाँ ये लिखा हुआ है मैंने। हाँ ये रहा। उसने कहा, जिस नारी के पास इतना आकर्षक व्यक्तित्व है, बौद्धिक प्रखरता है और कोमल संवेदनशीलता है, उसका केवल हाउसवाइफ बने रहना कला संसार के प्रति अन्याय है। उसने ऐसा कहा? हाँ, और आगे, ऐसी नारी से रोजमर्रा के तुच्छ कामों की अपेक्षा करना जघन्य अपराध है। बस भाभी प्लीज। ऐसी दैवीय प्रगति को समय और आकाश की सीमाओं में बांधना असंभव है। स्टॉप इट भाभी प्लीज, मुझे और नहीं सुना। और फिर अंत में उसने कहा, अगर मैं स्वयं कहीं उलझा हुआ ना होता तो तुम्हारी पत्नी को तुमसे छीन लेता। ऐसा कहा उसने? हाँ, मैंने। तुमने क्या कहा? मेरे लिए जाना बहुत जरूरी है कि तुमने क्या कहा? मैंने कहा छीनने क्या लूंगा भाई, ऐसे ही ले जाओ, मैं तुमसे कोई ड्यूल नहीं लड़ूंगा उसके पीछे। बस भाभी बस, आज के बाद तुम उसके बारे में मुझसे कोई बात नहीं करोगे, ना ही मेरे बारे में उसे जिक्र छेड़ोगे। लेकिन मैं कहाँ बात करता हूँ डार्लिंग, जिक्र तो हमेशा वही छेड़ता है। वो तो मुझ पे इल्जाम लगा रहा था कि मैं तुम्हें समझता नहीं हूँ, मैं तुम्हें अंडरस्टैंड नहीं करता हूँ। जोर जोर से चीख चीख कहने लगा कि वो नारी हवा का एक खुशबूदार झोंका है जिसे तुम अपनी मुट्ठी में कैद नहीं कर सकते हो, वो एक आवाज है जो दीवारों से भी छन जाएगी। वो कहने लगा कि अगर मैं कोई लेखक होता तो उसे नायिका बना करके एक उपन्यास लिख डालता जिसका नाम रखता मचल की आरजू या जज्बात की देवी। अजीब आदमी है, बहुत ही अजीब। मेरे प्रेम पत्र वो पहुंचा रहा है प्रेम भरे चुंबनों के साथ और मुझे अजीब कह रहा है ना अजीब बात। तो आइए जरा देखें कहां तक पहुंचे। वो बेचारी औरत मुझसे मिलने के लिए छटपटा रही है क्योंकि उसे लगता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक मैं ही हूं जो उसे समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। बोलता उसका पति है लेकिन आवाज उसे मेरी सुनाई देती है। मेरे शब्द उसके कानों में गूंजते हैं, उसके दिल में उतरकर मीठा मीठा रस घोलते हैं। ये रस मीठा होने के साथ साथ जहरीला भी है क्योंकि मैं बहुत बेरहम आदमी हूं। इस तरह के काम में रहम की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो आइए जरा देखें मैं कितनी बेरहमी से अपना आखिरी वार करता हूं। जिन लोगों के दिल कमजोर हों वो प्लीज अपनी आंखें बंद कर ले। नहीं बॉबी नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, उसका एक शब्द नहीं, कुछ नहीं। लेकिन उसने भी तो ये कहा है मुझसे कि भगवान के लिए मैं उसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊं क्योंकि उससे डर है कि उसका दुख सुनकर तुम भी दुखी हो जाओगी। क्या बहुत दुखी है वो? बहुत ही ज्यादा, आंखें वीरान, दिल परेशान, ना खाता है ना पीता है, बस दीवानों की तरह गुमसुम बैठा रहता है। लेकिन क्यों, आखिर हुआ क्या है उसे? तन्हाई, अकेलापन। कह रहा था कि दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है, ना माता पिता, ना ही कोई रिश्तेदार, यहाँ तक कि कोई ऐसा साथी भी नहीं है जो उसे समझ सके। क्या उसे पता नहीं कि मैं हम उसे कितना समझते हैं? क्या उसे पता नहीं कि मैं हम उसे कितना पसंद करते हैं, कितना चाहते हैं?
क्या उसे पता नहीं कि मेरा हमारा दिल कितना तड़पता है उसे मिलने के लिए, हम दोनों का ही। मैंने बहुत समझाया उसे, मैंने बार बार कहा कि भाई हमारे घर चलो, हमारे साथ खाना खाओ, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। कहने लगा रहने दो, मैं तुम लोगों को दुखी कर दूंगा। आज कल वो किसी से मिलता जुलता भी नहीं है, घर में उदासी और अकेलापन खाने को आता है, इसलिए रातों को उठकर कब्रिस्तान में जा बैठता है अकेला। कितने बजे? 8 और 9 के बीच में। नहीं प्लीज, तालियां नहीं। इस महान उपलब्धि का श्रेय मुझे अकेले को नहीं है, मेरे मित्र और सहयोगी श्री पतिदेव जी का भी इसमें बराबर का योगदान है। उन्होंने ऐसी चाबी भरी कि श्रीमती जी रस्सा तोड़ाकर मेरी बाहों में समाने के लिए दौड़ी चली है। वो देखिए, मेरे हसीन ख्वाबों की ताबीर, जो एहसास मेरे दिल में मचल रहे थे, उन्हें पहली बार होठों पर लाने का पला ही गया। अब मैं कहूंगा कि नहीं, कुछ मत कहो प्लीज, एक शब्द नहीं, जरा सी आवाज नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी जब तक कि तुम मेरे दिल की बात न सुन लो। तुमने बहुत छलबल से मेरे पति के माध्यम से मुझ में वो सारी तमन्नाएं और इच्छाएं जगा दी हैं जो मैं ईमानदारी से स्वीकार करूंगी, पिछले 7 सालों से मेरे सीने में दबी पड़ी थी। तुमने मेरे अहम को भरमाया, मैं बह गई। तुमने मेरे दिल के तारों को छुआ, मैं गूंज उठी। तुमने मेरे दुबती हुई रगों पे हाथ रखा, मैं हार गई। इसलिए मैं यहां खड़ी हूं विकी, तुम्हारे सामने, तुम्हारे खातिर, तुम्हारे लिए। लेकिन एक बात और कहना चाहती हूं, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूं। वो एक पैशनेट आदमी नहीं है, ना ही बहुत रोमांटिक, लेकिन अगर हमारे वैवाहिक जीवन में आसमान को छू लेने वाला आनंद नहीं, तो पाताल की गहराई जैसी निराशा भी नहीं है। हमारा जीवन एक समतल जीवन है, सहज और सीधा सादा। वो मुझे दिल से चाहता है, मेरे लिए पूरी तरह समर्पित। इन सारी स्थितियों को स्वीकार करते हुए मैं अपने जीवन से सुखी हूं, संतुष्ट हूं। लेकिन मैं जानती हूं, एक बार तुम्हारी बाहों में आने के बाद मेरा ये जीवन हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। इस वक्त मैं इतनी कमजोर और इतनी स्वार्थी हूं कि कोई फैसला नहीं कर सकती। इस पल मुझे सिर्फ तुम्हारे चरित्र की दृढ़ता और पवित्रता का सहारा है, इसलिए फैसला तुम पर छोड़ती हूं। अगर तुम्हें सिर्फ मेरे जिस्म की हसरत है तो बाहें फैला दो और मैं आ जाऊंगी, लेकिन अगर तुम मुझसे सचमुच प्यार करते हो तो मुंह फेर के खड़े हो जाओ और मैं यहां से चुपचाप चली जाऊंगी, और फिर हम एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे, कभी बात नहीं करेंगे। इस छोटे से प्यार की खुशनुमा याद के सहारे मैं सारी जिंदगी गुजार लूंगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, प्रतीक्षा में खड़ी हूं। तुम्हें भी वही खुशी दे जो तुमने अभी अभी मुझे दी है।
गुड बाय विकी, गुड बाय।